कर्नाटक में अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध झेल रहे मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा एक टीवी इंटरव्यू में रो पड़े। दरअसल एक कुर्सी की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, इस सवाल के जवाब में येदुरप्पा ये कहते हुए भावुक हो गए कि कुर्सी के लिए उन्हें अपने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। चारों ओर से संकट में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा को इस तरह कैमरे पर रोते देखकर कोई भी चौंक सकता है। कर्नाटक की राजनीति में दमदार नेता की छवि रखने वाले येदुरप्पा एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ अचानक रो पड़े बल्कि जनता से माफी भी मांगी। येदुरप्पा ने कहा, मैंने उन लोगों को ठेस पहुंचाई है जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। वो शोभा हो सकती है, बलिगार हो सकते हैं, भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कुर्सी बचाने के लिए कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा। मुझे सब पसंद नहीं, लेकिन हाईकमान और लोगों के खातिर मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि भगवान मुझे माफ करेंगे या नहीं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे वो दुखी है। इमरान कुरैशी, बेंगलोर, आज तक।